देश की आजादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद एवं बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह की 35 फीट ऊंची प्रतिमा फरीदाबाद क्षेत्र के लोगों को राजा नाहर सिंह की शहादत की याद दिलाएगी। राजस्थान के प्रमुख मूर्तिकारों द्वारा जयपुर में अष्ट धातु से बनाई गई यह राजा नाहर सिंह की प्रतिमा शुक्रवार यानी आज बल्लभगढ़ पहुंची, जिसके बाद राजा नाहर सिंह दशहरा मैदान में बनाए गए लगभग 20 फुट ऊंचे स्थल पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया। इस स्मारक के निर्माण के सूत्रधार वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं प्रगतिशील किसान मंच के अध्यक्ष सत्यवीर डागर ने बताया कि अब जल्द ही राजा नाहर सिंह के इस भव्य स्मारक का कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद एक भव्य आयोजन में राजा नाहर सिंह की प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोकार्पण के मौके पर देश के सभी वर्गों के अग्रणी चौधरियों को आमंत्रित किया जाए। डागर ने बताया कि समारोह को बनाने की घोषणा उन्होंने लगभग 1.5 साल पूर्व 9 जनवरी 2021 को राजा नाहर सिंह पार्क में की थी, जिसके पश्चात हरियाणा सरकार से स्मारक के लिए जगह की मांग की गई थी। वही मूर्ति स्थापना के बाद प्रतिमा स्थल पर यज्ञ का भी आयोजन किया गया। महल था, महल का अस्तित्व भी जो है ना वो खतरे में हो गया जी, बिल्कुल। उसी के जो प्रांगण में थाना बना दिया गया, उसके जो पीछे खाई थी उसमें पंचायत भवन बना दिया गया, उसके जो सामने जगह थी उसमें सेक्रेटरिएट बनवा दिया गया जी। तो मन में था कि टीस थी कि भाई इतना बड़ा जिसने कुर्बानी की हो उसकी एक यहाँ कोई स्मारक ना हो, कोई मूर्ति ना हो, तो बहुत दिन से चली आ रही थी। बस टाइम आया, ऊपर वाले ने शक्ति दी तो मूर्ति भी बनी। सर अगर मैं बात करूं कितनी फीट ऊंची ये मूर्ति है और इसमें कितनी लागत लगी है, कितना समय इसको बनने में लगा? देखिए इसकी हाइट है 17.5 फीट, ये अष्ट धातु की मूर्ति बनी हुई है। लागत वाला क्वेश्चन आप गलत पूछ रहे हैं, किसी की कीमत से ज्यादा कोई लागत नहीं हो सकती जिसने फांस के सामने, ये तो तुच्छ पैसे हैं। बिल्कुल सही जी, तो वो लागत की बात छोड़िए कि राजा का नाम हो और भव्य एक स्मारक दे। नगर निगम का धन्यवाद, हमने जगह तो और चाही थी पर किसी कारणवश एक कोने में हमें जगह दी, कोई बात नहीं, मिली मूर्ति लगी। और प्रशासन से मांग करते हैं जो गंद सामने पड़ी है, 15 अगस्त का टाइम है, तो मैं कहूँगा एक बार कैमरे जरा आप सामने भी देख लें, ये प्लीज मेरी विनती है, कैमरे आप सामने के देखिए, क्या यही शहीदों का सम्मान है? 15 अगस्त आज 11 तारीख है, 3 दिन बाद 15 अगस्त होगा, तो क्या यही सम्मान है? जब इसका शिला भूमि पूजन हुआ था तो सब लोग थे, पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष के मंत्री भी थे, विधायक भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तब भी हमने सारा किया था। कितने दिन से हम मांग कर रहे हैं कि भाई इसको साफ करिए आप, हमें मूर्ति का कि प्रतिमा स्थापित करनी, हमारी मूर्ति तैयार हो चुकी है, उसके बावजूद भी चलो हम के आगे सुधर जाए, अगर कहीं कोई शर्म बची हो तो इसे साफ करें, आगे गंदगी ना पड़े। ठीक है, सरकार की मजबूरी भी हो सकती है कि चलो यहाँ डाल दिया पर अब आगे ना डले। और इसके साथ साथ जो सचिवालय बना है उस सचिवालय भी राजा नाहर सिंह के नाम से सचिवालय पे नाम हो, किसी दूसरे के नाम पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब अगर जहां भी हम खड़े ये भी राजा के महल की ही जगह है। कोई सरकार ने किसी में नहीं है कि भाई हम किसी को हुड्डा में अलॉट की हो या कहीं पे, ये उसी महल के प्रांगण में मूर्ति है, तो उसमें जो है तो उसका नाम राजा नाहर सिंह सचिवालय होना चाहिए। और सरकार ने नाम बदले हैं, फैजाबाद का अयोध्या कर दिया, तो हम चाहते हैं इसका नाहरगढ़ क्यों ना किया जाए, फरीदाबाद के बाबा फरीद के नाम पे ही क्यों जी। जिस आदमी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो हाँ जी, तो उसके नाम पे बाबा फरीद के नाम की के ही नाम क्यों फरीदाबाद, अब नाहरगढ़ क्यों ना रखे सरकार, इसको नाहरगढ़ रखे। हम तो मांग करते हैं कि कम से कम इतिहास में पढ़ाया जाए। और इस स्मारक में ठीक है सरकार जो हमसे चाहे जो जगह हमें दी है, हम मांग करते हैं कि इसकी साफ सफाई के लिए जो जगह है वो थोड़ी बढ़ाई जाए, जिससे कि इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से कर सकें। शहर से जुड़ी इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ NCR।